श्रावण मास की सप्तमी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और ये जो 17 अगस्त 2008 है ये उनकी जयंती आई। तो तुलसीदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि जो उनका जन्म हुआ, वैसे जन्म को लेके भी इतने बड़े कवि थे वो, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जन्म को लेकर अभी भी स्पष्ट नहीं कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ कहाँ था। कोई कहता है चित्रकूट में हुआ था, कोई कहता है राजापुर में हुआ था, तो जन्म को लेकर भी अलग अलग बातें कही जाती हैं। पर ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर जो उनके पिता थे उनका नाम था आत्माराम दुबे और जो माता थी उनका नाम था तुलसी और जो उनके गुरु थे वो थे नर हरिदास। तो सबसे पहले तो ये है कि एक सबसे बड़ी जो विचित्र कथा उनके जन्म के बारे में कही जाती है वो विचित्र कथा ये है कि जैसा कि हर शिशु का जो जन्म होता है वो 9 महीने में होता है, लेकिन इनके जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपनी माँ के गर्भ में ही 12 महीने तक रहे। अब 9 महीने बाद जब जन्म होता है बच्चे का, स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है और वो 3 महीने अतिरिक्त रहे, 12 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे, इसके कारण वो बहुत ही हष्टपुष्ट थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इतने ज़्यादा हष्टपुष्ट थे और यहाँ तक कि उनके मुँह में दांत भी थे, और जैसे जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुँह से उन्होंने, जबकि बच्चा बोलना इतना नहीं सीखता है लेकिन जन्म होते उन्होंने राम नाम बोला। तो काफ़ी लोगों को और जो उनके पिताजी थे उन लोगों को बड़ा भय लगने लग गया कि बच्चा जन्म से ही दांत लेके पैदा हुआ है, राम नाम बोल रहा है, और इतने ज़्यादा स्वस्थ थे उन्होंने उनका नाम राम बोला रख दिया। और उनकी जो माता थी उनका जन्म तुलसीदास जी के जन्म के अगले ही दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब पिता को बड़ा डर लगने लगा कि मेरे घर में ही ऐसा बालक जन्म लिया है जिसके दांत भी हैं और बोल भी रहा है जन्म लेते ही, और 9 के बजाय 12 महीने में पैदा हुआ। तो उस समय के लोग बड़ा डरते थे, उनको भी लगा ये कोई अनिष्ट है, ये क्या बात है। तो उन्होंने उस बालक को अपनी एक दासी थी चनिया उसको सौंप दिया, चनिया को देके और वो चले गए। अब ये जो बालक थे तुलसीदास, जो बचपन का इनका नाम था राम बोला, ये उनके साथ रहने लगे और चनिया वो दासी थी उसी के साथ रहने लगे, लेकिन 5.5 वर्ष के हुए और तब वो जो दासी थी उसका भी देहांत हो गया। इनको एक इनके गुरु थे, जब उनको पता चला कि ऐसा भी एक विचित्र बच्चा है जो राम नाम बोलता है, तो ये उसे ढूंढते ढूंढते उन्होंने आखिर इसको ढूंढी लिया गांव में राजापुर में और ये अपने पास ले आए और उसे शिक्षा देने लगे। फिर उन्होंने ही इनका जो यज्ञोपवीत करवाया, जनेऊ कराया, जनेऊ के बाद में इनका विवाह कराया। इनका विवाह रत्नावली नाम की एक कन्या से हुआ। अब विवाह के बाद तक भी गौना नहीं हुआ था, इसलिए रत्नावली अपने मायके में रह रही थी अपने पिताजी के साथ। एक दिन तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की याद आती है और वो उसके मायके उनसे मिलने पहुंच जाते हैं रात के समय, और इतनी यमुना नदी पे, इतना पूरी उफान पे थी यमुना नदी, और इतनी रात में यमुना नदी को पार करके भी वो वहाँ पर पहुँच गए। और उनने जब उनके कमरे में जाके वो पहुँचे तो रत्नावली को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी हुई वो। फिर उन्होंने उनसे जाने का कहा तुलसीदास जी किससे कि आप चले जाइए, इतनी रात को क्यों आए घर। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, तुम फिर मेरे साथ चलो। तो इस बात पे वो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ये कहा जाता है कि रत्नावली ने उस समय जो कहा उसकी ही प्रेरणा से जो आज ये राम बोला या तुलसीदास जो गोस्वामी तुलसीदास बने हैं, ये केवल वो उस रत्नावली की वही पटकार थी। रत्नावली ने कहा कि तुमको मेरे हार्ड मास के शरीर से इतना प्रेम है और अगर इतना ही प्रेम तुमने यदि राम से किया होता तो आज तुम्हारा उद्धार हो गया होता। ये बात उनको चुभ गई और फिर इस बात का उनके जीवन पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। फिर वो वापस अपने गांव आ गए और जब गांव आए पत्नी तो साथ में आई नहीं, पत्नी ने ताना भी मारा, और ऊपर से जब वो गाँव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है। इससे फिर वो बहुत दुखी हुए और उसके बाद में वो अपने गुरु के साथ में ही राम नाम की कहानियाँ सुनाने लग गए। फिर सुनाते सुनाते फिर उनको लगा, एक बार जब वो जा रहे थे तो उनको हनुमान जी मिले, तो हनुमान जी प्रेत के रूप में मिले उनको। उन्होंने उनसे कहा हनुमान जी से कि मुझे राम जी से मिलना है, तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम चित्रकूट पर जाओ और वहाँ पर तुमको भगवान राम के दर्शन होंगे। तुलसी
तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में उन्होंने दो युवकों को देखा सुंदर सुंदर घोड़े पर आ रहे, लेकिन चूंकि भगवान को पहचानने की क्षमता तो उनमें थी ही, तो वो दोनों उनके सामने से निकल भी गए और तुलसीदास जी भगवान राम को नहीं पहचान पाए। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि राम जी तो निकल गए और तुम उनको पहचाना ही नहीं। तो तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ। फिर हनुमान जी ने कहा दुखी मत हो, अभी वो फिर आएंगे, अगली सुबह फिर आएंगे, तब उनके दर्शन को जरूर कर लेना। अगली सुबह भगवान राम लक्ष्मण दोनों पहुँचते हैं तुलसीदास जी के पास के, और जाके भगवान राम तुलसीदास जी से कहते हैं कि हमें थोड़ा सा चंदन चाहिए, क्या हमें चंदन मिलेगा क्या? तो अब हनुमान जी ने सोचा कि अभी भी हो सकता है कि तुलसीदास जी भगवान राम को ना पहचान पाए, तो उन्होंने अपना एक दोहा कहा। उन्होंने कहा क्या कहा कि चित्रकूट के घाट पर हई संत, तोते के रूप में कहा उन्होंने, तोता बनकर, और एक दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक दे रघुवीर। तो तुरंत समझ गए तुलसीदास जी की ये जो चंदन मांगने आए हैं ये रघुवीर हैं, यानी कि भगवान श्री राम। तो वो भगवान श्री राम से बहुत ही दर्शन करके बहुत खुश हुए। उसके बाद में फिर उन्होंने सोचा कि मैं ये ग्रंथ की रचना करूँ। उन्हें पता चला, उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि ग्रंथ की रचना करो, तो उन्होंने रामनवमी के दिन श्री रामचरितमानस की रचना करना शुरू किया। रामचरितमानस की रचना उन्होंने शुरू की। अब रामचरितमानस की रचना उन्होंने पहले जब शुरू करी तो उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू करा। अब क्या होता, वो जो भी लिखते करते या जो भी उनके दिमाग में आता वो सारी चीज़ें क्या होती, वो सारी चीज़ें अगले दिन सारी गायब हो जाती थी। तो उनसे उनको दर्शन दिए उन्होंने शिव पार्वती के रूप में, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी भाषा में रचना कीजिए। तब फिर उन्होंने फिर पुनः रचना शुरू करी और 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। रचना करने के बाद में उन्होंने जो अपना ग्रंथ था वो ले जाकर मंदिर में रख दिया। अब पहले तो चोर लोग आए, वो उसको चुराने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके सामने फिर घोड़ों पर 2 राजकुमार आ गए जो राम लक्ष्मण के रूप में थे, और उनके दर्शन करते उनकी जो वृत्ति थी चेंज हो गई कि वो अब चोरी उसका व्यवसाय छोड़ देंगे, और उन्होंने छोड़ दिया। फिर लोगों ने और भी कई करा, वो रामचरितमानस मंदिर में रखकर जाते, लोग उनके ऊपर ग्रंथ पुराण वेद सब रख देते, तब मालूम पड़ा, और सबसे नीचे रख देते रामचरितमानस। अगले दिन जब पट खुले तो लोगों ने देखा कि जो भी उन्होंने वेद पुराण रखे थे वो सारे वेद पुराण ऊपर रखे थे और रामचरितमानस को नीचे रखा था, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पट खुलते हैं तो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ जाती है और वेद पुराण सारे नीचे रखे रहते हैं, और रामचरितमानस के ऊपर लिखा हुआ रहता है सत्यम शिवम सुंदरम, और भगवान श्री शंकर के हस्ताक्षर भी करे हुए रहते हैं। तो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई बहुत ही प्रभावी व्यक्ति है, और फिर वो मान लेते हैं उनको कि ये पंडित की रचना को, और फिर वो जो रचना रहती है वो अकबर के जो दरबारी रहते हैं उनको दे देते हैं। तो इस तरीके से उनकी रचना फिर से चली जाती है। तो जो इन्होंने इतनी बड़ी पूरी रचना करी थी वो सारी उनकी चली गई, और फिर वो पुनः से अपनी स्मृति के आधार पर दोबारा उस ग्रंथ की रचना करते हैं, और उसके बाद में उसको प्रकाशित किया जाता है। तो ये इनकी पूरी कथा है। फिर इसके बाद में फिर ये जो श्रावण जो इनकी मृत्यु हुई श्रावण पक्ष तृतीया को, तो इनकी मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि संवत 1680 तुलसी तज्यो शरीर, मतलब संवत 1680 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और जब इनकी मृत्यु हुई उस समय भगवान श्री हनुमान इनके सामने साक्षात आए इनको लेने, तो तब इन्होंने तुलसीदास जी ने जो अपनी अंतिम रचना थी विनय पत्रिका वो भगवान हनुमान जी को सौंपी, और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।